हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं देसल दान, 82 रैंक, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 विद मैथ्स ऑप्शनल। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूं। 10वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई की है। उसके बाद 11th 12th मैंने IIT JEE के लिए प्रिपेयर किया है कोटा से, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर से BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और कॉलेज से ही मैंने दिमाग बना लिया कि सिविल सर्विसेज देना है और मैथ्स ऑप्शनल लेना है। तो उसका ये रीज़न रहा कि मैथ्स एक इंजीनियरिंग में पढ़ते भी हैं हम, शुरुआत से IIT की तैयारी हो तो मैथ्स हेल्प करता है उसमें। और दूसरा है कि स्कोरिंग रहा है, 2-4 साल का जो रिकॉर्ड था मैथ्स का और IMS कोचिंग का वो काफ़ी अच्छा था, तो उसको देख के भी यही कंसिडर किया कि मैथ्स ऑप्शनल लेंगे। उसके बाद IMS में एडमिशन लिया मैंने और सर से मटेरियल लिया, गाइडेंस ली और टेस्ट सीरीज भी दिया IMS का। तो IMS का मटेरियल और टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगली बात आती है कि आप मैथ्स को अप्रोच कैसे करें। मैथ्स को अप्रोच करें आप बाहर जो लोग ज़्यादा बता रहे हैं उस पर ज़्यादा भरोसा न करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं और खुद देखें कि अपने को जो आपको एक यूनिट तो आता ही होगा 13 में से, तो आप उसमें देखें कि इसमें आप यदि जस्टिस कर पा रहे हैं क्या उसके साथ, उस हिसाब से आप डिसाइड करें। मैथ्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और उसका एक दूसरा मतलब पैरेलल बेनिफिट ये रहता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी AIR 5 आया है इस बार, तो थैंक्स टू मैथ्स एज एन ऑप्शनल कि IFS में बहुत अच्छा रहा और उसके बाद IAS में भी मैथ्स ऑप्शनल का बहुत अच्छा वो रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन। मार्क्स तो अभी नहीं आया पर आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स ऑल्सो। तो आप मैथ्स को अप्रोच ऐसे करें कि पहले आप सेलेक्ट करें कि मैथ्स लेना है, उसके बाद मटेरियल लें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा चाहिए, उसके साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। मैथ्स एक कंटिन्यूस अप्रोच ऑफ 1 ईयर चाहिए आपको कि एकदम आप डेडिकेटेड मैथ्स को 1 साल बढ़िया पढ़ें। तो उससे क्या है कि आपका जो यूनिट्स हैं बेसिकली वो क्लियर हो जाएंगे, पेपर कैसा आता है, क्या माइंडसेट है, UPSC में क्या चेंज आ रहा है। जैसे पिछले 2 साल में थोड़ा पेपर में चेंज आया है, स्पेशली सेकंड पेपर, तो उसको आप देख पाएंगे, उसको आप मतलब एक बार डिसर्न कर पाएंगे कि व्हाट आर दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दी UPSC और इट्स माइंडसेट और पेपर्स अकॉर्डिंगली। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैथ्स को और अच्छे से कैसे इम्प्रूव करना है। और दूसरा जो GS है, SA है, ethics है, उसको भी और आप अच्छे से कर सकते हैं। 3 का कॉम्बिनेशन है वो लेके चले आप, SA, ethics एंड optional, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बढ़िया कर सकते हैं उसमें। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड को देखते हुए ऑप्शनल को सेलेक्ट करें, मैथ्स में बहुत अच्छा चांस है। यदि आपको लगता है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन मैथमेटिक्स देन यू नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग दिस एग्जाम। और एक लक का जो एलिमेंट है वो रहेगा, और जो मेहनत होती है, एक अच्छे से पेपर देने की बात होती है, बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। उसके लिए IMS का मटेरियल और टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, और सर से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। उसके अलावा मटेरियल रहेगा पर IMS का मटेरियल जो है बहुत ही एलिमेंट्री और एसेंशियल लेवल का है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से ऑप्शनल सेलेक्ट करें और अच्छा करें, कंसिडरिंग कि मैंने 2 साल की तैयारी में दोनों ही परीक्षाएं अच्छे से पास की है, तो कोई भी कर सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच। मैं के वेंकन्ना सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर हिज पर्सनल गाइडेंस, IMS मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट इन माई सक्सेस, सो आई थैंक यू वेंकन्ना सर एंड IMS कोचिंग फॉर दैट।